तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मेरे हाथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक पासबुक है और दोस्तों मैंने अभी अभी इस बैंक अकाउंट के लिए ओपन कराया है। अगर दोस्तों आपने भी अभी अभी अपने इस बैंक अकाउंट के लिए ओपन कराया है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपने अपना खाता खोला है और दोस्तों आपके पास अभी तक कोई भी डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड नहीं है और दोस्तों आप चाहते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट की जो भी इंटरनेट बैंकिंग होती है, जो भी योनो एप्लीकेशन होता है, उसके लिए रजिस्टर आप कैसे करें, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर बताने वाला हूँ। आप विदाउट डेबिट कार्ड के, विदाउट एटीएम कार्ड के अपने योनो एप्लीकेशन को रजिस्टर कर सकते हैं, साथ में दोस्तों आप इसकी इंटरनेट बैंकिंग को भी ले सकते हैं। दोस्तों ये जो पूरा प्रोसीजर है विदाउट एटीएम कार्ड के आपको कैसे करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। जब भी हम किसी भी बैंक के अंदर अपने अकाउंट के लिए ओपन कराते हैं तो दोस्तों उस टाइम हमें कोई भी डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड नहीं मिलता है, कुछ दिनों के बाद हमें डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड रिसीव होता है। लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपने अपने अकाउंट के लिए ओपन कराया है या फिर आपके पास में डेबिट कार्ड नहीं है, आपके पास डेबिट कार्ड है वो लॉस्ट हो चुका है या फिर वो एक्सपायर हो चुका है या अभी तक आपने डेबिट कार्ड के लिए रिसीव नहीं किया या फिर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है। दोस्तों कंडीशन आपकी जो भी रही होगी, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विदाउट डेबिट कार्ड के आप इंटरनेट बैंकिंग को भी ले सकते हैं एंड दोस्तों योनो एप्लीकेशन को भी अपने बैंक अकाउंट से रजिस्टर कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ योनो एप्लीकेशन का 6 डिजिट का जो हमारा एम पिन होता है उसके लिए आपको कैसे बनाना है एंड दोस्तों आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम कैसे बनाना है एंड दोस्तों उसका लॉगिन पासवर्ड कैसे बनाना है एंड दोस्तों आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड कैसे बनाना है, सब कुछ हम दोस्तों आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपके पास भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई भी डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड नहीं है एंड दोस्तों आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग एंड दोस्तों मोबाइल बैंकिंग को शुरू करना चाहते हैं या फिर आप उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको इस वीडियो को आगे पीछे नहीं करना है, वीडियो को आपको कम्प्लीटली देख लेना है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने डिस्प्ले पर मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने प्ले स्टोर में आ जाना है और प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ आपको टाइप कर देना है योनो SBI। दोस्तों जैसे ही आप योनो SBI को टाइप करेंगे तो यहाँ आपको ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा जिसको मैंने इंस्टॉल कर लिया है। आपको भी इस एप्लीकेशन के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद अब आपको इस एप्लीकेशन के लिए यहाँ से ओपन कर लेना है। दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं लेट्स गेट स्टार्ट सिंपल आपको यहाँ क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपके लिए दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आपको क्या करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं सिलेक्ट सिम। दोस्तों जो भी आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है मोबाइल नंबर की सिम ही आपको यहां से सिलेक्ट कर लेनी है, आपके सिम 1 में है या फिर 2 में वो आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना है। एंड दोस्तों चूज करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट वाला बटन सिंपल आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो जो भी हमारे बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है तो हमारे सिम 1 में है तो हम सिम 1 के ऊपर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों क्लिक करने बाद सिंपल आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं प्लीज वेट विल चेकिंग योर सिस्टम फॉर योर मोबाइल नंबर। दोस्तों आपका जो भी मोबाइल नंबर वो वेरीफाइड हो रहा है। अब दोस्तों जो भी हमारा मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड हो चुका है, वेरीफाइड करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रोसीड सिंपल आपको यहाँ क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब दोस्तों इसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है इनको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यस आई एम एग्री सिंपल आपको यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज हमारे सामने फिर से ओपन हो जाता है और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्टर फॉर योनो विद माई ATM कार्ड। अगर दोस्तों आपके पास में डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड की मदद से भी आप इस एप्लीकेशन को रजिस्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप यहां देख सकते हैं रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल। तो आपको क्या करना है, आपके पास आपकी बैंक अकाउंट की पासबुक होगी तो आपको अपनी पासबुक ले लेनी है और पासबुक की जो भी डिटेल होती है, अकाउंट नंबर होता है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी मदद से भी इस बैंक अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल सिंपल मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ ऑप्शन में देखने को मिल जाते हैं योर 3-स्टेप प्रोसेस टू रजिस्टर ऑन योनो, आपको यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंट डिटेल, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसको आपको यहाँ
एंटर कर देना है और जो भी आपके अकाउंट के अंदर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अकाउंट नंबर को एंटर कर दिया है, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसको मैंने एंटर कर दिया है। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ और अकाउंट नंबर को एंटर करने के बाद जो भी आपकी ब्रांच है वो ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगी। अब दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों क्लिक करने के बाद जो भी आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी आया होगा, ओटीपी आपको यहाँ फिल कर देना है। तो दोस्तों यहाँ मैंने ओटीपी को एंटर कर दिया है। ओटीपी को एंटर करने के बाद आपको नीचे आ जाना है और आप यहाँ देख सकते हैं एक सबमिट वाला बटन, सिंपल आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिव्यू यूजर डिटेल, जो भी आपका अकाउंट होल्डर का नाम है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जो भी आपका सीआईएफ नंबर है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पहला है व्यू और दूसरा है लिमिटेड और तीसरा है फुल। दोस्तों आप अपने अकाउंट को फुल एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको फुल पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आप अपने अकाउंट को फुल एक्सेस नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं एंड अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करना चाहते हैं तो आपको व्यू पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आप अपने अकाउंट को सही से एक्सेस करना चाहते हैं, मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं एंड अपने मिनी स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं और भी काफी सारे जो वर्किंग होते हैं वो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे आप देख सकते हैं फुल सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट, सिंपल आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सेट इंटरनेट बैंकिंग डिटेल और आप ये देख सकते हैं यूजर नेम। दोस्तों आप इस एप्लीकेशन का जो भी यूजर नेम रखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, यूजर नाम आपको कुछ इस तरीके से बना लेना है और आप ये देख सकते हैं एंटर पासवर्ड, आप ये देख सकते हैं री एंटर पासवर्ड। दोस्तों आपको पासवर्ड को एक बना लेना है, पासवर्ड आपको कुछ इस फॉर्मेट में बनाना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ एक यूजर नाम बना लेते हैं और जो भी हम अपने पासवर्ड को बनाना चाहते हैं वो हम पासवर्ड बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने एक यूजर नाम बना लिया है और जो भी हमने एक पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को हमने यहाँ एंटर कर दिया है। पासवर्ड को आपको कुछ इस फॉर्मेट में बनाना है। अब दोस्तों पासवर्ड को एंटर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कन्फर्म वाला बटन, सिंपल आपको यहाँ से कन्फर्म कर देना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से कन्फर्म कर देता हूँ। अब दोस्तों कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सक्सेसफुल रेफरेंस नंबर, दोस्तों यहाँ हमारे लिए एक रेफरेंस नंबर मिल जाता है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस रेफरेंस नंबर का एक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब दोस्तों इस रेफरेंस नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर आपको अपनी नजदीकी ब्रांच में जाना है, साथ में दोस्तों आपको अपनी बैंक की पासबुक एंड दोस्तों एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाना है। एंड दोस्तों ब्रांच में जाने के बाद आपको योनो अकाउंट का एक अलग काउंटर मिलेगा, आपको उस काउंटर पे जाना है, आपको आधार कार्ड एंड अपनी पासबुक को दे देना है एंड दोस्तों आपको उनको बता देना है कि आपको जो भी योनो एप्लीकेशन है उसको आपको रजिस्टर कराना है, आपको रेफरेंस नंबर चाहिए होगा। उसके बाद दोस्तों बैंक की तरफ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको उस फॉर्म के ऊपर एक सिग्नेचर करना है। दोस्तों फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर करने के बाद में आपके बैंक अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक इस तरीके का कोड आएगा और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक्टिवेशन कोड फॉर योनो रजिस्ट्रेशन। दोस्तों इस कोड की जो भी वैलिडिटी है वो सिर्फ 30 मिनट की है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दी कोड इज वैलिड फॉर 30 मिनट। अब दोस्तों आपको इस कोड को सही से नोट कर लेना है। एक्टिवेशन कोड को प्राप्त करने के बाद में आपको फिर से योनो एप्लीकेशन के लिए ओपन कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन के लिए ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों एक इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एंटर योर इंटरनेट बैंकिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, और आप यहाँ देख सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड और आप यहाँ देख सकते हैं एक्टिवेशन कोड। अगर दोस्तों एप्लीकेशन को ओपन करते समय एक इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन नहीं होता है पर फिर से आपको अपने अकाउंट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के बाद आएगा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेना है। आएगा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद इससे पहले जो भी आपने अपनी यूजर आईडी एंड दोस्तों अपने पासवर्ड को बनाया था भाई, यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपको फिर से फिल कर देना है। पासवर्ड और यूजर आईडी आपको चेंज नहीं करनी है तो फिर से आपको नीचे कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे इसके बाद एक इस तरीके का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों जो भी आपने यूजर आईडी बनाई उस यूजर आईडी को आपको यहां एंटर कर देना है और आपने जो भी पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को आपको यहां एंटर कर देना है। और दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हैं एक्टिवेशन कोड, जो भी बैंक की तरफ से हमें 6 डिजिट का एक्टिवेशन कोड मिला था उस कोड के लिए आपको यहां एंटर कर देना है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड को एंटर करने के बाद जैसा कि आप यहां देख सकते हैं एक नेक्स्ट का बटन, सिंपल आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। चलिए दोस्तों मैं यहां क्लिक कर देता हूं। करने के बाद सक्सेसफुल हमारा योनो एप्लीकेशन हमारे बैंक अकाउंट से रजिस्टर हो चुका है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुल एक्टिवेट योर अकाउंट ऑन योनो। तो करना क्या है, थोड़ा नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद जैसा कि आप यहां देख सकते हैं गो टू योनो होम, सिंपल आपको यहां क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों मैं यहां क्लिक कर देता हूं। तो क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं वेलकम टू SBI योनो और दोस्तों जो भी आपकी यूजर आईडी वो आपको यहां देखने को मिल जाएगी। इससे पहले हमने एक पासवर्ड को बनाया था, उस पासवर्ड के लिए हमें चेंज करना है। चेंज करने के लिए दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हैं एंटर न्यू पासवर्ड, री एंटर न्यू पासवर्ड। अब दोस्तों आपको यहां एक नया पासवर्ड बना लेना है। तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यहां मैंने एक नया पासवर्ड
पासवर्ड को बना लिया है। आपको दोस्तों अगर पासवर्ड बनाना है तो पासवर्ड आपको कुछ इस फॉर्मेट में बनाना होगा, तभी आपका पासवर्ड जो भी है एक्सेस हो पाएगा। दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हैं चेंज पासवर्ड, सिंपल आपको यहां पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों मैं यहां क्लिक कर देता हूं। दोस्तों क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहां देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुल चेंज योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड। अब दोस्तों जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है, और आपकी जो भी यूजर आईडी है, जो भी आपने योनो बनाते समय यूजर आईडी को क्रिएट किया था वही आपकी इंटरनेट बैंकिंग की यूजर आईडी है, जो भी आपने अभी पासवर्ड को चेंज किया था वही आपका इंटरनेट बैंकिंग का लॉग इन पासवर्ड है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों जैसा कि आप यहां देख सकते हैं सेट एम पिन, सिंपल आपको यहां क्लिक कर देना है। क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इस पेज पर आपको करने का एक 6 डिजिट का आपको एम पिन बना लेना है, जिससे दोस्तों आप अपने योनो एप्लीकेशन को लॉगिन कर पाएंगे। तो मैं यहां से एक अपना 6 डिजिट का एम पिन को बना लेता हूं। 6 डिजिट का एम पिन बनाने के बाद सक्सेसफुल हमारा योनो एप्लीकेशन यानी कि मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग यहां रजिस्टर हो चुकी है। अब दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, यहां से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद योनो एप्लीकेशन का मोबाइल बैंकिंग एंड दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग हमारी सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुकी है, यानी कि एक्टिवेट हो चुकी है। अब दोस्तों आपको करने का है फिर से आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं योनो एप्लीकेशन को फिर से ओपन कर लेता हूं। अब दोस्तों ओपन करने के बाद जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। हमारा सक्सेसफुल बैंक अकाउंट योनो एप्लीकेशन से यानी कि मोबाइल बैंकिंग से रजिस्टर हो चुका है, यानी कि एक्टिवेट हो चुका है। योनो एप्लीकेशन यानी कि मोबाइल बैंकिंग को यूज करने के लिए आपने अभी एक 6 डिजिट का एम पिन बनाया था, उस एम पिन को आपको यहाँ फिल कर देना है। चलिए दोस्तों मैं यहां एम पिन के लिए फिल कर देता हूं। एम पिन के लिए फिल कर दिया। अब दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मोबाइल बैंकिंग आपकी सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुकी है। अब दोस्तों आप इस एप्लीकेशन के अंदर किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं, एंड दोस्तों आप अपने बैलेंस को भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में डेबिट कार्ड या फिर एटीएम कार्ड नहीं है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और भी बहुत सारी सर्विसें आपको इस योनो एप्लीकेशन के अंदर मिल जाती हैं। हम बात करते हैं कि हमारा जो भी मोबाइल बैंकिंग है वो सक्सेसफुल रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन दोस्तों अभी तक हमारा जो भी इंटरनेट बैंकिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी एंड दोस्तों लॉगिन पासवर्ड तो बन चुका है, लेकिन दोस्तों उसका जो प्रोफाइल पासवर्ड होता है वो नहीं बना है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपने इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है। प्रोफाइल पासवर्ड को बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर गूगल क्रोम ब्राउजर के लिए ओपन कर लेना है। तो यहाँ मैंने अपना गूगल क्रोम ब्राउजर के लिए ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउजर के लिए ओपन करने के बाद सर्च बार में यहाँ आपको टाइप कर देना है retail.onlineSBI। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं retail.onlineSBI को मैंने जैसे यहाँ टाइप किया है तो एक वेबसाइट हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। सिंपल आपको इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद सिंपल आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यूजर नेम और आप यहाँ देख सकते हैं पासवर्ड। दोस्तों योनो एप्लीकेशन को रजिस्टर करते समय आपने जिस यूजर नेम को बनाया था वही यूजर नेम आपको यहाँ एंटर कर देना है, एंड दोस्तों आपने एक लॉग इन पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड आपको यहाँ एंटर कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है और आप इस कैप्चे को देख सकते हैं, इस कैप्चे को आपको यहाँ फिल कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मैंने यूजर नेम को एंटर कर दिया है, यहाँ मैंने पासवर्ड को एंटर कर दिया है, इस कैप्चे को मैंने यहाँ फिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो आप देख रहे हैं लॉगिन वाला बटन, सिंपल आपको यहाँ क्लिक कर देना है। दोस्तों मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद जो भी आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आया होगा, ओटीपी आपको यहाँ फिल कर देना है। तो दोस्तों यहाँ मैंने ओटीपी को एंटर कर दिया है। ओटीपी को एंटर करने के बाद सिंपल आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो भी इंटरनेट बैंकिंग है वो सक्सेसफुल यहाँ लॉगिन हो चुकी है। आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी पर्पज से मैंने इसके लिए विलर कर दिया है। आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। दोस्तों नीचे आने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरीके के ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, जो भी आपकी इंटरनेट बैंकिंग है उसका प्रोफाइल पासवर्ड नहीं बना है। प्रोफाइल पासवर्ड बनाने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं एंटर प्रोफाइल पासवर्ड, सिंपल आपको यहाँ अपने एक पासवर्ड एंटर कर देना है। कन्फर्म प्रोफाइल पासवर्ड आपको यहाँ एंटर कर देना है। आप यहाँ देख सकते हैं हिंट क्वेश्चन, सिंपल आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ से आपको एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं एक आंसर है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, एक बार आपको यहाँ क्लिक कर लेना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम आपको यहाँ एंटर कर देना है। दोस्तों सबसे पहले हम इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ हम अपने पासवर्ड को एंटर कर देते हैं। तो यहाँ हमने एक प्रोफाइल पासवर्ड को क्रिएट कर लिया है। प्रोफाइल पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद जो भी हमारा क्वेश्चन का आंसर वो हमने यहाँ दे दिया है। और अब दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं तो आपका एरिया का जो भी नेम है वो आपको नेम यहाँ एंटर कर देना है। नेम एंटर करने के बाद सिंपल आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
चलिए दोस्तों मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज बीन सेट सक्सेसफुल। दोस्तों जो भी आपका इंटरनेट बैंकिंग का प्रोफाइल पासवर्ड है वो सक्सेसफुल सेट हो चुका है, यानी कि बन चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं गो टू अकाउंट समरी पे, सिंपल आपको यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी ब्रांच का नाम आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, आपका अकाउंट नंबर यहाँ देखने को मिल जाएगा। आपको थोड़ा सा ऊपर आ जाना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं व्यू ऑल बैलेंस, आपको यहाँ क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस को चेक कर सकते हैं। तो अब दोस्तों आप अच्छे से सीख गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एंड दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट करते हैं एंड दोस्तों उसे कैसे रजिस्टर करते हैं विदाउट एटीएम कार्ड के। आप अच्छे से सीख गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग एंड दोस्तों मोबाइल बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट करते हैं एंड दोस्तों उसे कैसे रजिस्टर करते हैं। दोस्तों योनो एप्लीकेशन का 6 डिजिट का एमपिन कैसे बनाते हैं आप अच्छे से सीख गए हैं। अगर आप योनो एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो आपको 6 डिजिट का एमपिन यहां एंटर कर देना है। 6 डिजिट का एमपिन डालकर यहां से आपको लॉग इन कर लेना है। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग को यूज करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालकर यहां से उसे लॉग इन कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो आपने प्रोफाइल पासवर्ड बनाया है उस प्रोफाइल पासवर्ड का आप यूज कब करेंगे, जब भी आप किसी के लिए पैसे ट्रांसफर करेंगे, आप ऑनलाइन केवाईसी करेंगे या फिर ऑनलाइन एटीएम कार्ड के अप्लाई करेंगे या फिर आप ऑनलाइन ही अपने अकाउंट नंबर से ईमेल आईडी को लिंक करेंगे, तो उस वक्त आपको एक प्रोफाइल पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो प्रोफाइल पासवर्ड आपको तभी काम आने वाला है। दोस्तों आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों विदाउट एटीएम कार्ड के आप अपने इंटरनेट बैंकिंग एंड योनो एप्लीकेशन के मोबाइल बैंकिंग को आप इसी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसी तरीके की कंटेंट की वीडियो देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर बने रहना है। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक पर, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखना, थैंक यू।